नए दौर में नई जो लोगों की परिभाषा हो गई है उसी में आइकॉन बन जाते हैं सही लोग, उसमें मीडिया का लोग, नई पीढ़ी के लोगों का योगदान होता है। ये लोग कोई आइडियल हैं क्या? किसी के कोई आइडियल नहीं होते हैं, इसलिए ये एक्सीडेंटल रूप से लोकप्रिय होते हैं। उसके बाद जितनी तेजी से लोकप्रिय होते उतनी तेजी से नीचे उनका ग्राफ गिरता है। क्या लगता है आपको? अपराध करने वाला व्यक्ति किसी जात और धर्म का हो, आपराधिक मामले में और राजनीति के अपराधीकरण के सवाल पर वज्रपात करना चाहिए। शहाबुद्दीन को सब टेरर के रूप में जानते हैं, आतंक के रूप में जानते हैं, और लालू प्रसाद जी इसी आतंक से अपना शासन चलाए थे, जंगल राज चलाए थे और आतंकित करवा के लोगों को, और उन्होंने सत्ता चलाने का काम किया था। और जब बिहार की जनता ने उनको दरकिनार कर दिया लालू जी को, तो नीतीश कुमार जी ने सत्ता की लोलुपता में उस लालू यादव से समझौता किया जो अपराधियों को संरक्षण देने के लिए ही जाने जाते हैं। और जब ये सत्ता में आ गए दोनों, बड़े भाई छोटे भाई, तो दोनों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए शहाबुद्दीन के केस को कमजोर करा के पुलिस से उसको वेल आउट कराने का काम किया है। फांसी की सजा है हत्या पर, लेकिन हत्या फिर भी होती है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बहुत सारे अपराध को रोकने के लिए कानून बने हैं, लेकिन फिर भी अपराध होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कानून फेल कर गया, वो कानून बना हुआ और उसके मुताबिक उनको दंड मिलता, तो कानून की अपनी सीमा है। शहाबुद्दीन जी का बयान हो या रघुवंश सिंह का है, शहाबुद्दीन पे छूट गए 11 साल के बाद, न्यायपालिका से बेल मिला, हाईकोर्ट से बेल मिला। अगर वो कुछ बोले कि लालू जी हमारे नेता तो पार्टी का है, तो पार्टी के अंदर नेता आपका पार्टी का बोलेगा।